फ्रेंड्स, आज बुधवार की सुबह, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो हम लोग निकले एक नए डेस्टिनेशन में जाने के लिए। रूट अपना वही फिर से हो गया, चौथी बार का पुराना रूट, कोई नहीं, पर हमेशा हर डेस्टिनेशन एक नया एरिया नए ऐसे ले जाते हैं। हमने अभी कमरिया जेवरा सिरसा वाला रोड पकड़े, वहाँ से हम आए, काफ़ी सारा डिस्टेंस भी बच गया और रोड तो मैं आपको दिखा नहीं पाया। एनीवे लौटते मैं दिखा दूँगा, क्योंकि आज हम लोग फिर भी एक नया रूट लेंगे। गंगा से जा जाकर अभी दूर हो गया, गुजरात में भी हम क्रॉस करेंगे, बीच में देखते हैं दिल्ली या देवकर जाएगा, वो धंधा इधर चले गया, इधर अपना गंडई और पीछे अपन जालवंदा से आ रहे हैं। और देवकर पहुंचेंगे अनदर 9 किलोमीटर, तो हमको वाटरफॉल और डैम देखने को मिलेगा। इस तरह है गंडई, जो कि बेमेतरा
सदर्न नाला बैराज, आप सभी का स्वागत है। इस बैराज को आने के लिए हमको बहुत खतरे का सामना करते हुए आना पड़ा। ये रोड एक्चुअली छुटिया पाठ मंदिर चला जाता है ऊपर 4 किलोमीटर आगे पहाड़ी में, उसको हिंगलाज मंदिर भी बोलते हैं। तो अपन मोड़ लेते हैं व्यू पॉइंट फ्रेंड्स। हम लोग आगे करनाला बैराज 13-14 किलोमीटर का रूट था वो वाला, ग्राम सिंघनपुरी और भी क्या क्या ग्राम होके लास्ट में एक 2-3 थाना है। रोड में काम चल रहा है, यहाँ से वहाँ तक बस रोड अच्छा है, बाकी पीछे पूरा रोड उखड़ा हुआ है, पूरा बन रहा है। और ये वाला जो रोड साइड से चले गया है वो आगे पहाड़ी पर्वत में चढ़ता है, सतारे रोड से होकर आपको जाना पड़ता है। बट ठीक है, यहाँ के ग्रामीण लोग वहाँ पर माता के दर्शन के लिए आते हैं, हिंगलाज मंदिर और सूतिया पाठ भी बोलते हैं, माँ सूतिया पाठ ये पीठ स्थान है, लोग आते दर्शन और नवरात्र में आते हैं और जगराता करते हैं, मंदिर में पूजा पाठ होता है। प्लस वहाँ कुछ एक दो ऐसे गुफाएं जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया, पानी का झरना टाइप का भी है। तो वहाँ से एकदम एक्सट्रीम हाइट में चढ़ने के बाद सुंदर सा हवा बहती है वहाँ पर, बहुत ख़तरनाक रोड है ये जो अपन आए हैं, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक रोड है वहाँ, आप अकेले ही गाड़ी में ड्राइव करके जा सकते हो। तो ये है, ये जस्ट जो लेक है बैराज का, ये अगेन मुझे अरुणाचल का माधुरी लेक का याद दिलाता है, तवांग में जो पड़ता है, बिकॉज पेड़ों के ठूंठ बने हुए हैं और पानी का यहाँ पर पूरा रोका गया है। सुंदर सा नज़ारा, थोड़ा सुबह सुबह आते ठंड रहती पर अच्छा और नज़ारा देखने को मिलता है। तो चलिए, यहाँ से कुछ बेहतरीन होगा तो फिर अपन लौटते में आपको दिखाएंगे, नहीं तो कवर्धा सहसपुर लोहारा होके अपन जाएंगे, पर बीच में तो 5 किलोमीटर फिर भी हमको खटारा रोड क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। तो चलिए, आज का व्लॉग यहाँ पर अपन थोड़ी देर और कंटिन्यू करेंगे, फिर यहाँ थोड़ा रेस्ट लेंगे, लंच वंच करेंगे, फिर निकलेंगे। मेन डेस्टिनेशन आज का यही था, यही करना था। तीसरा जो व्लॉग होगा वो हमारा सहसपुर लोहारा से लेकर कर्रा नाला बैराज से सहसपुर लोहारा होके दुर्ग तक का रहेगा। और आज गाँव के रास्ते में काफ़ी घूमते हुए आए, आधा घंटा हमारा वहाँ एक्सेस चले गया, बट स्पीड से कवर कर लिए काफ़ी कुछ और भगवान की दया से अच्छे तरीके से यहाँ तक तो पहुँच गए। अभी जाते में थोड़ा ध्यान से फिर चलना है। चलिए, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए। और कुछ यहाँ के सुंदर से शॉट्स आप लोग को दिखा देता हूँ मैं, वो भी देख लीजिए, बने रहिए। तो ये है दोस्तों दल्ली राजा कर्रा नाला बैराज का वो हिस्सा जहाँ पर एकदम सेंटर में हम खड़े हैं, ये वो लेक वाला मतलब बैराज का पानी वाला हिस्सा, उस तरफ बैराज का रास्ता और उधर पे जाके आगे गेट्स है और पंप हाउस वगैरह है, उधर पे गार्डन है जहाँ से हम आए उसके बगल वाले रास्ते से, और वो उधर वाला रास्ता घुमा के सूतिया पाठ मंदिर और हिंगलाज मंदिर की तरफ ले जाता है रास्ता। बाकी कच्चे रास्ते में वहाँ उतर जाना पड़ता है, कहीं आगे जाके पूछते हुए जाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। और आगे कवर्धा रेंजर से पूरे वहाँ पर हम लोग मछली वगैरह है छोटे छोटे पानी के अंदर में, ज़्यादा अंदर जाना ठीक नहीं है, दलदली है और ये सब मनाही वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अभी कोई देख नहीं रहा है, बोलने वाला नहीं है बोल के। वहाँ एक गाड़ी वाले आ रहे हैं, बोलेंगे तालाब के पानी में उतर जाए, चश्मा तो पूरा धूसर हो गया था, आई नो दैट की धूल वाला रास्ता था, धूल हो गई। तो दोस्तों करनाला बैराज में आए हुए बहुत देर हो गए, आधे घंटे से ऊपर, तो यहाँ से अब बस निकलने का समय हो गया है। वहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी पार्क की है, वहाँ से अपन स्टीप चढ़ाई था उतराई था उतरे हैं, अभी स्टीप चढ़ाई में फिर चढ़ना पड़ेगा और फिर आगे एक और स्टीप उतरना पड़ेगा, तो अकेले चढ़ेंगे, उतरते समय एक साथ उतरेंगे।
तो ये बैराज का जो पानी का हिस्सा है ये है, और यहाँ थोड़ा कम है उस तरफ ज़्यादा, और वो टॉप से अपन आते हैं तो वो दिखता है अपने को सेंटर में। और ये मेरी वाइफ और बेटी किस कॉर्नर तक पहुँच गए हैं, देखो मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ और ड्रोन शॉट्स वगैरह तो ले नहीं सकते बिकॉज अभी तो ड्रोन है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पर आए हैं बस टूरिस्ट और लोकल लोग भी नदारद है, कोई नहीं है इस जगह के बारे में, बहुत कम ही लोगों को पता रहता है, लोग आते नहीं है ज़्यादातर। यहाँ पर देखो एकदम कटी हुई चट्टाने हैं, पहाड़ है उस तरफ है पहाड़ वगैरह, और उस तरफ छोटा सा गार्डन है उजाड़ सा पर है ठीक ठाक, एक डायनासोर बना हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर एक समय जगह को डेवलप करने के लिए अच्छा बनाया गया है। और वहाँ से इन लोग दोनों होशियार लोग चढ़ चढ़ के जा रहे उतर के पानी के बीच से, थोड़ा सा मैं भी जाता हूँ अब देखने के लिए जाना पड़ेगा, और तो आज कोई स्पॉट है नहीं, और घर हार्डली अपन 2 से 2.25 घंटे में पहुँच जाएंगे, टेंशन नहीं है, पर वही है कि कड़ी धूप में आ गए, धूप बढ़ रहा है, दोपहर के अभी लगभग 12:30 बज चुके हैं, ज़्यादा देर रुकना भी ठीक नहीं है बिकॉज जल्दी पहुँचना है और गाड़ी में तो ठंड लगती है। वेस्ट साइड से पीछे से हमारे को धूप पड़ेगा जब हम आगे गंडई की तरफ बढ़ेंगे, गंडई नहीं गंडई से धंधा की ओर, और इस तरफ देख सकते हो नाव का विहार आप कर सकते हो, गांव वाले शायद करवाते होंगे, 2-2 नाव के हैं, और मेरे ख्याल से मछलियाँ वगैरह पकड़ी जाती होंगी, वहाँ से भी उतरा जा सकता है, मंदिर है वहाँ, 1-2 गाँववासी रहते हैं, यहाँ पर 2 बाइक्स रखी गई हैं, कोई लोग कुछ काम कर रहे होंगे शायद वहाँ, और अपन उस तरफ से चढ़ के आए वो सीधा वो बैराज का ठीक ऐसा ही एक रास्ता वहाँ से भी गया है, और उस तरफ हिंगलाज माता मंदिर का पहाड़ी है, सूतिया पाठ मंदिर है, देखते हैं रोड में कितना जा सकते हैं, बाकी वो वीडियो में मुझे जितना दिखा है कि उस कचड़े रास्ते में अपन जा नहीं सकते, 3 जन तो बिल्कुल नहीं, तो यहाँ से अपन बस वही रोड तक थोड़ा जहाँ तक गाड़ी चढ़े फिर वापस स्लोप से उतर के सहसपुर लोहारा होते हुए अपन गंडई की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को जगह बहुत अच्छा लगा होगा, आइए यहाँ जगह को रौनक दीजिए, खुशहाली पाइए और कंप्लीट पीस ऑफ माइंड मिलेगा यहाँ आपको आके, बस ये सुबह सुबह तो आप शायद ना पहुँच पाओ अगर दुर्ग वगैरह जगह से आ रहे होगे, तो कवर्धा वालों के लिए स्वर्ग है जगह, कोशिश रखिए कि आइए जल्दी सर्दियों के दिनों में, बरसात के दिनों में रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो सकता है बट फिर भी ठीक है, गर्मी में मत आइए, पानी भी इतना नहीं दिखेगा आपको। चलिए आशा करता हूँ आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों के बीच, बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलेंगे गंडई से धमदा और दुर्ग जाने के रास्ते में, चलते हैं फिर।